नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में। मैं हूँ वैशाली। ये साल कई बड़े फैसलों का साल है। हाल ही में राज्यसभा ने 3 तलाक को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया और अब सड़क हादसे कम करने के लिए मोटर व्हीलर एक्ट के सख्त प्रावधानों पर भी बुधवार को राज्यसभा ने मुहर लगा दी। इस एक्ट के पक्ष में जहां 103 वोट आए, वहीं 13 वोट इसके विरोध में भी थे। आपको बता दें कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त सजा से जुड़ा ये एक्ट लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन टाइपिंग की गलती के कारण इसे संशोधन के लिए दोबारा लोकसभा में भेजा जाएगा। ये बिल खास नाबालिगों के लिए है जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर मनमानी गाड़ियां दौड़ाते हैं और कई हादसों का शिकार होते हैं, और उन पालकों के लिए भी जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाजत दे दिया करते हैं। खैर, अब इस बिल के पास हो जाने के बाद पालक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनका नाबालिग बच्चा अगर वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है तो उन्हें ही, मतलब नाबालिग के पालकों को, 3 साल तक जेल होगी। वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा और तो और अब जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ा दी गई है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 के बजाय अब 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है। वहीं हिट एंड रन के मामले में अगर मौत होती है तो 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि ये मुआवजा पिछले साल तक 25,000 रुपए था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 3 घंटे तक चली इस चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा की मंजूरी के बाद इसी हफ्ते ये बिल राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति के दस्तखत होने के बाद अगस्त के मध्य तक बढ़ी हुई पेनल्टी लागू की जाएगी। इस कानून से राज्यों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होगी। सभी राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार राष्ट्रीय परिवहन नीति लागू कर सकेंगी। आइए जानते हैं मोटर व्हीकल बिल की मुख्य बातें। ड्राइवर हेलमेट के बिना या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अपात्र रहेगा। बगैर हेलमेट पर 1,000 रुपए और ओवरलोडिंग पर 2,000 रुपए का जुर्माना होगा। नाबालिग के वाहन चलाते समय अगर कोई हादसा होता है तो अभिभावक पर 25,000 रुपए का जुर्माना, 3 साल की सजा, साथ ही जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा। ओला उबर के वाहन लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। एम्बुलेंस को रास्ता ना देने तक पर जुर्माना होगा। हादसे में घायल का फ्री में इलाज करना होगा। ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा। हादसे में मृत्यु पर 50,000 से 5,00,000 रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान है। अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत पर 25,000 से 2,00,000 और घायल होने पर 12,500 से 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा। इस फंड में सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा, जिसका इस्तेमाल होगा घायल के इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए। लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरिफिकेशन जरूरी होगा। कमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे। लाइसेंस रिन्यूअल अब खत्म होने के 1 साल के अंदर कराया जा सकेगा। ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर ही करेगा। आशा करते हैं इस बिल के पास होने के बाद सड़क दुर्घटनाएं बंद होंगी और लोग वाहन चलाने पर जागरूक बनेंगे। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।